गांधी नाम सुनते ही बापू का चेहरा हमारे सामने आ जाता है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा मन में उजागर होता है कि एक साधारण सा व्यक्ति, समान सा कदकाठी का और व्यक्ति कैसे पूरे देश के लिए बापू बन गए। महात्मा गांधी, जिनको देश में ही नहीं विदेश में भी बापू के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और निधन 30 जनवरी 1948 को। आज जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, एक वक्त वो भी था जब उनको आधी रात को स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी थी। आज से ठीक 128 साल पहले 7 जून को देश के एक बैरिस्टर को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का देकर उतारा गया था। 7 जून 1893 के दिन स्टेशन से उठकर गांधी ने पूरी रात वेटिंग रूम में बिताई और वहां से सत्याग्रह की नींव रखने का फैसला लिया। उन दिनों गांधी जी गुजरात के राजकोट में वकालत करते थे। वो इतने बड़े वकील थे कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला ने एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। वो पानी के जहाज से दक्षिण अफ्रीका के डर्बन पहुंचे। यहाँ 7 जून को उन्होंने प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो जाकर अपनी बर्थ में बैठ गए। यहाँ से ट्रेन पीटर मारिटस बर्ग स्टेशन पहुँचने को थी, तभी उसने थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा बैठ तभी उनसे थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। गांधी जी ने टिकट का हवाला दिया और तीसरे दर्जे में जाने से इनकार कर दिया। वहां से ट्रेन जैसे पीटर मारिटस बर्ग स्टेशन पर पहुंच गई और वहां जाके रुकी। उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में वो स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुंचे और गांधी जी ने वो रात जाग कर बिताई। पूरी रात वो सोचते रहे और एक बार उन्हें ख्याल आया कि वे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए भारत वापस लौट आए, लेकिन दूसरे ही पल सोचा कि यदि मैं वापस लौट गया तो शायद ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं। और उन्होंने फैसला लिया कि अब अपने देश में भारतीयों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन गांधी जी पर हमला नक्सल भेदी रेसिस्ट प्रहार था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बस उसी रात दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिटस बर्ग में गांधी जी के सत्याग्रह की नींव पड़ चुकी थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला देगी और गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता बनकर उभरे। गांधी जी सत्याग्रह के प्रतिकार के अग्रणी नेता बनकर उभरे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उसका ये परिणाम हुआ कि एक शांत व्यक्ति कब तूफान का रूप लेने लगा कोई नहीं जान पाया। उधर अंग्रेज अपना जुल्म भारतीयों पर ढा रहे थे, इधर मोहनदास करमचंद गांधी अपने देश को आजाद कराने में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने यह आशा की थी, असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर अपोनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। उस समय विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया और किताबों में आग लगा दी थी। वकीलों ने कोर्ट रूम में जाना छोड़ दिया। गाउन और बैंड का बहिष्कार किया। इन कस्बों और नगरों में मजदूर वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में लगभग 400 हड़तालें हुई, जिनमें से 6 से 6.5 लाख मजदूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया और इससे 70 लाख का नुकसान ब्रिटिश सरकार को हुआ था। किसानों ने कर चुकाने से मना कर दिया था। इन विरोधी आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, मजदूरों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की और साथ ही उपनिवेशक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हित से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की है, जिसके साथ ही आज भी बापू का नाम सुनते ही
लोगों के मन में देश के लिए प्यार और बढ़ जाता है। बापू ने देश को आजाद कराने में जो योगदान दिया है उसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।